जय हिंद छात्रों मैं इशार अहमद कंपटीशन कम्युनिटी के इस क्वेश्चन सेशन प्रोग्राम में आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं और मैं हमेशा ये बोलता रहूंगा कि अपनी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी प्रतियोगी परीक्षाओं की निरंतरता बिल्कुल बरकरार रखिए और साथ में उसे एक युद्ध स्तर पर रखिए छात्रों जैसे कि बहुत सारे छात्र इसे फॉलो कर रहे हैं प्रॉपर देख रहे हैं मैं उनसे निवेदन करूंगा जो अगर उत्तर नहीं दे रहा है लास्ट क्वेश्चन का वो उत्तर दे ताकि मुझे भी समझ में आए कि आपका पूरा जो है आप अच्छी तरह से देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं बहरहाल मैं हमेशा आप लोगों के लिए एक सुविचार लाता हूं जो कि इस प्रकार से हैं इन पर्सनालिटी को तो आप भली जानते होंगे ठीक है और नहीं जानते तो आइए मैं बताता हूं पूर्व हमारे पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय ए पी जे अब्दुल कलाम साहब है और इन्हें भारतीय मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है ठीक है तो याद रखिएगा छात्रों ये कहते हैं जो कि एक लक्ष्य पे आधारित है लक्ष्य पे निर्धारित है पूरा जो इनका जो तो थॉट है वो इस प्रकार से है यहां दिखाई दे रहा है अपने लक्ष्य में सफल होने के लिए बात बहुत गहरी है ध्यान से समझिएगा अपने लक्ष्य में सफल होने के लिए आप में अपने लक्ष्य के प्रति क्या बोल रहे हैं अपने लक्ष्य में सफल होने के लिए आप में अपने लक्ष्य के प्रति एकमात्र समर्पित भाव होना चाहिए क्या होना चाहिए एक मात्र समर्पित भाव होना चाहिए मतलब कि अगर हमें एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस हमने अपना लक्ष्य बनाया है तो हमें लेना है मतलब लेना है ना इधर ना उधर हमें अपना क्या करना है एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस लेना है हमें ओके तो इसी के साथ मैं आशा करता हूं कि आप लोग को ये समझ में आया होगा हमारा सत्र प्रारंभ करते हैं भारतीय इतिहास चल रहा है भारतीय इतिहास का प्राचीन पोर्शन चल रहा है जो कि मैं पिछले वीडियो में अच्छी तरह से आप लोग को समझा चुका हूँ आइए एक बार और समझ लेते हैं कुछ इस प्रकार से है यहां आप देख सकते हैं ये रहा हमारा क्वेश्चन सेशन प्रोग्राम और क्वेश्चन सेशन प्रोग्राम में प्राचीन पोर्शन कवर हो रहा है तीन भागों में इसे विभक्त कर दिया गया है प्राचीन में आपका पाषाण काल कंप्लीट हुआ है जो कि प्राग ऐतिहासिक के तहत आता है उसके बाद हमने आद्य ऐतिहासिक काल सिंधु घाटी सभ्यता को देखा देन उसके बाद आपका आज से प्रारंभ होने वाला है आपका सॉरी आधुनिक भारत तो नहीं स्टार्ट हो रहा है याद रखिएगा आज से स्टार्ट होने वाला है हमारा आपका ऐतिहासिक काल ओके तो आइए देखते हैं ठीक यहां देखिए प्रागैतिहासिक काल हमारा प्रारंभ हो, हो चुका है सॉरी मतलब कंप्लीट हो गया पाषाण काल ठीक है जिसके लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं होते जिसके लिखित साक्ष्य प्राप्त होते हैं लेकिन पढ़ा नहीं जा सकता उसे क्या कहा जाता है आद्य ऐतिहासिक काल इंडस वैली सिविलाइजेशन कवर किया हमने उसके बाद ऐतिहासिक काल प्रारंभ हो रहा है ऋग्वैदिक काल से जो कि कुछ इस प्रकार से है यहाँ देख सकते हैं आप ऋग्वैदिक काल और इसे आराम से अगर समझा जाए तो कुछ इस प्रकार से है भारतीय विषय हमारा चल रहा है प्राचीन पोर्सन हम कवर करने वाले हैं ठीक है वैदिक काल का ये पार्ट वन है जिसमें हम कवर करने वाले हैं ऋग्वैदिक काल को अब ऋग वैदिक काल को समझने के लिए आइए आसान भाषा से मैं इस प्रकार से समझा जा सकता है कि इसे डिवाइड कैसे किया गया है ठीक है ये हो गया ये हो गया ये हो गया ठीक यहां से एक पेज ले लेते हैं ठीक है अगर पार्टीशन करें तो यहां देखें हम ये जो हमारा क्या है सॉरी वैदिक काल वैदिक काल में हम देखेंगे इसे दो भागों में विभक्त कर देते हैं ठीक एक हो गया आपका हमारा ऋग्वैदिक काल और दो है दूसरा है आपका उत्तर वैदिक काल ऋग वैदिक काल जो है कहाँ से कहाँ तक के हैं पंद्रह सौ से एक हज़ार ईसा पूर्व जिसमें ऋग्वेद का निर्माण हुआ ठीक उत्तर वैदिक काल आपका एक हज़ार से छः सौ ईसा पूर्व इसमें जो है किसका किसका निर्माण हुआ यजुर्वेद का सामवेद का ठीक है और आपका अथर्वेद का इस प्रकार के तथ्य याद रखने हैं तो ऐस पोर्शन में बांटा गया है और पार्ट वन में जो है हम क्या कवर करेंगे ऋग्वैदिक काल से जितने भी तथ्य हैं उनकी सामाजिक स्थिति कैसी थी आर्थिक स्थिति कैसी थी विद्वानों के मत क्या क्या है इन सब सारों से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन आज इसमें आपको देखने को मिलेंगे और याद रखिएगा छात्रों आपका उसके बाद सेकंड पार्ट आने वाला है सेकेंड पार्ट में आपका आपका श्यामवेद यजुर्वेद और अथर्वध से और आपका जितने भी आरण्यक है उपनिषद है इन सब सारी चीज़ों से भी प्रश्न आएंगे दर्शनशास्त्र से भी इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं तो बहुत डीप है ये तो इसीलिए जो है छोटे छोटे पार्ट में इसे विभक्त कर दिया जा रहा है आपकी आसानी के लिए आइए स्टार्ट करते ये रहा आपका कि सॉरी विद्वानों को मत देखना है अब देखो समझना है कहानी सबसे पहले मैं क्या बोलता हूँ कहानी याद रहना चाहिए कहानी याद रहेगी तो हमें क्या क्या रहेगा इतिहास हमें याद रहेगा और जो परीक्षा उपयोगी तथ्य हैं उसे हमें रट के याद कर लेना है तो देखो छात्रों बात ऐसी है कि भारत के इतिहास जो है वो थोड़ा सा उल्टा है परिवर्तित है कैसे सबसे पहले हमने क्या पढ़ा इंड पाषाण काल पाषाण काल के बाद जो है मनुष्य विकसित हो गया वैली सिविलाइजेशन में आ गया एक अर्बन सिविलाइजेशन यानी एक शहरी सभ्यता के नगरीय सभ्यता के रूप में जो है उभर के आया उसके बाद अचानक एक ग्रामीण सभ्यता दिखाई देती है जिसे ऋग्वैदिक काल कहा जाता है वैदिक काल कहा जाता है तो कन्फ्यूज नहीं होना है ये किसी संक्रमण काल के पश्चात आया है सिंधु घाटी सभ्यता जो है किसी बाढ़ की वजह से और बहुत सारी आपदाओं की वजह से जो है वो नष्ट हो गई जिसकी वजह से जो है आपका भारत में मनुष्य का फिर से विकास हुआ और ऋग वैदिक काल प्रारंभ हुआ ऋग्वैदिक काल में आर्यों का सबसे बड़ा महत्व है आर्य जो है अधिकतर विद्वान कहते हैं कि मध्य एशिया से आया कोई बोलता है ईरान से आए जो कि हम पढ़ने वाले हैं आर्य जो है जिन्हें श्रेष्ठ कुलीन और आपका सबसे बेहतर माना जाता है भारतीय आपका सभ्यता में तो आर्य जो है आए कहाँ से मध्य एशिया से इस प्रकार के हमारे मत हैं तो हमें याद रखना है कि इसका महत्व क्या है हमारे जीवन में याद रखिएगा छात्रों ऋग्वेद का या आपका क्या बोलते हैं ऋग्वैदिक काल का महत्व इतना है ऋग्वेद का तो अपने आप में एक बहुत बड़ा महत्व है जिसे मैं बताता हूँ ऋग्वेद जब हम स्टार्ट करेंगे लेकिन ऋग वैदिक काल का महत्व ऐसा है कि भारत की जो संस्कृति है भारत की जो सभ्यता है भारत की जो सारी चीज़ें हैं जितनी भी चीज़ें जो आप देख रहे हैं आपका यहाँ गंगा यमुना तहजीब सारी चीज़ें जो है वो आपका वैदिक काल से ही संबंधित है उसी पे ही निर्भर रही है क्योंकि ऋग्वैदिक ऋग्वेद जो है वो भारत का नहीं विश्व का सबसे प्राचीन ग्रंथों में से एक है और याद रखिएगा छात्रों के अगर इसे अध्ययन किया जाए अभी अध्ययन करने मत बैठ जाना ठीक है लेकिन क्या याद रखना है कि अध्ययन के दृष्टिकोण से भी ये बहुत ही जो है आपका व्यापक तो है साथ में बहुत ही आसान भाषा में बोलूँ तो बहुत बेहतरीन है ठीक है तो अब याद रखना है छात्रों कि ऋग्वेदिक ऋग्वेद का महत्व तो क्या है ऋग्वेद का महत्व तो कुछ इस प्रकार से है कि इसमें किसी भी प्रकार की असमानता का उल्लेख नहीं है ठीक है वर्ण व्यवस्था दिखाई देगा आपको लेकिन याद रखिएगा वो जन्म पे आधारित नहीं है वो कार्य पे आधारित है कार्य पे आधारित होने की वजह से जो है इसमें किसी प्रकार की असमानता नहीं होती जैसे कि मान के चलिए आपका अभी आगे में डिटेलिंग देखेंगे कि मान के चलिए कोई चार वर्णों में हम किसी भी क्षेत्र को विभक्त करते हैं किसी भी जो है समाज को विभक्त करते हैं क्या हो जाएगा आप उसमें ब्राह्मण फिर उसके बाद वैश्य सॉरी ब्राह्मण फिर क्षत्रिय फिर वैश्य फिर शूद्र ठीक है इस प्रकार विभाजित करते हैं तो ब्राह्मण का ऋग्वैदिक काल में ब्राह्मण का अगर बेटा है अगर वो किसी सेवा भाव से कार्य करना चाहता है तो वो शूद्र की उपाधि धारण कर सकता है आगे में देखेंगे हम इन सब सारी चीज़ों को तो ऋग्वैदिक काल में मैं बता रहा हूँ बार बार अगर इसे अध्ययन के दृष्टिकोण से अगर पढ़ा जाए एक मतलब अगर नॉर्मल वे पे तो ये बहुत ही बेहतरीन और आपका महत्वपूर्ण किताब है अगर आपको अपनी जीवन दिनचर्या जीवन शैली में अगर विकास करना है तो ये इस प्रकार से है लेकिन अभी पढ़ने मत भिड़ जाना पहले अधिकारी अधिकारी बन जाओ फिर उसके बाद जो है पढ़ना ठीक है तो आइए यहाँ स्टार्ट करते हैं हम कि विद्वानों के क्या क्या मत रहे हैं यहाँ देख रहे हैं आप आर्यों का जो है मूल स्थान कहाँ कहाँ रहा है तो दयानंद सरस्वती कहते हैं कि तिब्बत से आए हैं ठीक है किसमें उल्लेख है तो उनकी बुक है सत्यार्थ प्रकाश प्रकाश और इंडियन हिस्टोरिकल ट्रेडिशन में इसका उल्लेख है इस प्रकार से याद रखना है देन आपको लोकमान्य तिलक क्या कहते हैं कि उत्तरी ध्रुव से आए हैं ठीक है थीक? जी किसमें बताते हैं द आर्कि होम ऑफ द आर्यंस इस टाइप का आर्यस नहीं होगा आर्यंस होगा ठीक है सर्वाधिक प्रमाणित मत क्या है सर्वाधिक प्रमाणित मत है कि ईरान से आए हैं ठीक सॉरी यूरेशिया से आए हैं क्षमा चाहूँगा ठीक है यूरेशिया में स्थित है सर्वाधिक प्रमाणित मत ऐसे कहा जाता है लेकिन याद रखिएगा मैक्स मूलर का जो सिद्धांत है कि मध्य एशिया से आए हैं वो अधिकतर क्या बोलते हैं प्रमाणित रहे हमेशा प्रश्न पूछने को मिला है हमें परीक्षा निकालना है कोई इतिहासकार नहीं बनना है ठीक है तो हमें क्या याद रखना है कि आपका मध्य एशिया का जो है ऑप्शन अधिकतर पूछा जाता है जो कि मैक्स मूलर द्वारा लिखा गया है आगे बढ़ते हैं ये यहाँ जो है हमने डिस्क्राइब किया था देन ये है जो है सामाजिक व्यवस्था कैसी थी याद रखिएगा ऋग्वैदिक काल की सामाजिक व्यवस्था क्या थी ग्रामीण थी और ग्रामीण तो थी ही लेकिन जो है ये कबिलाई जिंदगी में जीवन यापन करते थे छोटे छोटे कुंडबे में विभक्त थे ठीक है और यहाँ लिखाई दे रहा है कि इनका गृह शब्द का उल्लेख है किसके लिए परिवार के लिए और साथ में जो है ये है प्रशासन की इकाइयाँ तो प्रशासन की इकाइयों से प्रश्न पूछता है कि मान के चलो बोल दिया राष्ट्र क्या है तो राजा सबसे बड़ी इकाई ठीक है, है यहां दिख रहा है है ना इसका मुखिया कौन होता है यहाँ जो दिख रहा है इकाई दिख रहा है और आपको यहाँ इसका मुखिया कौन होगा तो राष्ट्र जो है सबसे बड़ा आपका इकाई है जिसका मुखिया कौन होगा राजा हो। तो इस तो प्रकार से विश्व होगा तो क्या होगा विश ग्राम होगा तो ग्रामीणी कुल होगा तो कुलअप सबसे छोटी इकाई क्या है आपका कुल जो इसके सबसे आपका इसका अधिकारी कौन होता है कुलअप होता है अब जो है यहाँ दिखाई दे रहा है ऋग्वेदिक समाज जो है पितृसत्तात्मक थी हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन में आपका सिंधु घाटी सभ्यता में पढ़ा कि आपका सिंधु घाटी सभ्यता मातृ सत्तात्मक थी लेकिन ये कैसी थी आपका पितृसत्तात्मक थी लेकिन महिलाओं की स्थिति इसमें बहुत ही बेहतरीन थी अच्छी थी ठीक है एकदम सम्मानित थी इस टाइप को याद रखना है बार बार बेहतरीन बेहतरीन निकल जा रहा है याद रखना है सम्मानित थी और याद रखना है दरअसल बहुत अच्छी किताब है ऋग्वेद अगर पढ़ने के दृष्टिकोण से अगर पढ़ें कभी भी जीवन में पढ़िएगा तो याद रखिएगा आपका सम्मानित थी और जैसे कि आपका कुछ विदुषी कन्याओं का जिक्र है जिसमें आपका ऋग्वेद के संकलन में इनका योगदान रहा है लोपा मुत्रा अपाला ये जो है विदुषी कन्याएं हैं जो कि ऋग्वेद की रचना में इनका सहयोग रहा है ठीक है वैसे अगर कहा जाए तो ऋग्वेद को जो है अपुरुषे कहा जाता है देवकृत कहा जाता है देवों द्वारा लिखा गया है और सच में इसमें किसी प्रकार का कोई भावनात्मक रूप से किसी प्रकार का कोई क्षति नहीं पहुंचाई गई है लेकिन जो है आपका क्या कहा जा सकता है इसे देवकृत या कहा क्या कहा जाता है आपका देवकृत या अपुरुष कहा जाता है इसे ठीक है आगे बढ़ते हैं संकलन अगर कहा जाए ऋग्वेद का संकलन किसने किया है तो जो है कृष्णद्वेय प्या सॉरी कृष्णद्वेय प्यायन द्वारा जो है इसे किया गया है थोड़ी सी दबान नहीं पलट रही है याद रहेगा उन्हीं को ही क्या उपाधि दी गई वेद व्यास की उपाधि दी गई है तो कन्फ्यूज़ नहीं होना है कृष्ण प्यायन और आपका क्या बोलते हैं वेद व्यास के बारे में ओके तो सारा चीज़ जो है दिमाग में बैठाते हुए चलना है और इसमें से जो चीज़ नोट कर सकते हो वो नोट करते हुए चलो ये सारा चीज़ जो है लाइन अप कर चलो इससे प्रश्न देखने को मिलता है ठीक आगे बढ़ते हैं अब देखो प्रमुख अधिकारी कौन कौन थे पुरोहित क्या है महत्वपूर्ण अधिकारी राजा का गुरु है ये पुरोहित ठीक सेनानी क्या है सेना प्रधान ग्रामीण क्या है गाँव का सैनिक संगठन ग्रामीण कहलाता था वजपति क्या है ये चारागाह वजपति मतलब कि आपका चारागाह जो होता था जितना भी चराई होता था ठीक है पशुपालन एवं कृषि इनका शुभ मुख्य जो है आ, मतलब आ, आपका व्यापार था या आपका कह सकते हैं व्यवसाय था ठीक है तो याद रखना है आपका ग्रा वजपति क्या था चारागाह के लिए उग्र तो कौन था पुलिस ठीक है उग्र कौन था पुलिस स्पच जो है गुप्तचर था ठीक है दुर्गपति पूर्व जो था दुर्गपति था एक विशेष प्रकार के दुर्ग का संरक्षण के लिए किया जाता था भागदूत जो था वो भेंट करता था भली मतलब टैक्स टैक्स से संबंधित है और याद रखिएगा आपका सॉरी बलि टैक्स से नहीं है ये बंटवारा हाँ सॉरी बलि जो है टैक्स से ही संबंधित है ठीक है तो याद रखना है इससे समझना एक चीज़ है कि ऋग्वैदिक काल आपका में आपका बलि एवं कर्मकांड में विश्वास रखते थे इस प्रकार के तथ्य भी पूछे जाते हैं आगे प्रश्न देखने को मिलेगा सारा चीज़ रखा गया है इसमें ठीक है आप लोगों के लिए विशेष आगे बढ़ते हैं ये रहा सामाजिक प्रथाएं क्या, क्या क्या थी तो बाल विवाह नहीं होता था याद रखिएगा बाल विवाह जो है नहीं होता था पुनर्विवाह बहुपति विवाह का अस्तित्व था बिल्कुल सही है जाति प्रथा का विकास नहीं था कोई प्रकार का जाति व्यवस्था नहीं था बता रहा हूँ ना कि अगर वर्णों का बारे में जिक्र है पुरुष सूक्त में आपका जिक्र है कि वर्ण व्यवस्था के बारे में ऋग्वेद में लेकिन याद रखिएगा कि वर्ण व्यवस्था थी लेकिन ये जो है आपका जन्म पे आधारित नहीं थी कार्य पे आधारित इनकी वर्ण व्यवस्था थी अगर मान के चलिए मैं फिर बताता हूँ कि चार वर्ण व्यवस्था है पहला है आपका ब्राह्मण दूसरा है छत्री फिर हो गया वैश्य फिर शूद्र ब्राह्मण मतलब क्या होगा आपका गुरु पुरोहित वगैरह लोग राजा का गुरु है छत्री कौन होगा राजा होगा जो कि आपका सबका रक्षा करेगा उसके बाद जो है आपका ब्राह्मण छत्री वैश्य वैश्य क्या होगा आपका वैश्य जो होगा आपका बाबूजी लिखने लिखने पढ़ने वाला ठीक है इस प्रकार से उसके बाद जो है आपका व्यवसाय करने वाला मतलब व्यवसाय करने वाला क्या कहलाएगा आपका वैश्य फिर उसके बाद आपका कौन सा आएगा आपका शूद्र शूद्र का अर्थ अर्थ ही होता है आपका सेवा करने वाला तो अगर ब्राह्मण का बच्चा चाहेगा कि मान के चलो वो किसी का सेवा करना चाहता है तो उन्हें नि, निःसंकोच नि जो है उस समय में वो सेवा करने का मतलब वो उस समय का शूद्र कहला सक कहलाता था लेकिन जैसे ही उत्तर वैदिक काल आया वर्ण व्यवस्था जो है किस प्रकार हो गई आपका जन्म पे आधारित हो गई तो इस प्रकार के तथ्य हमें याद रखना है सिर्फ मैच करना है और कुछ नहीं ठीक आगे बढ़ते हैं अगला है हमारा आर्थिक जीवन कैसा था मुख्य व्यवसाय था इनका पशुपालन एवं कृषि बिक्री का माध्यम था वस्तु विनिमय गाय एवं निष्क निष्क का तात्पर्य यहाँ के किस चीज़ से है आपका आपका मतलब सिक्कों से है उसके बाद है गोधुली समय की माप करने के लिए प्रयुक्त होता था मापन सामग्री के लिए अगर मापन के लिए किसी चीज़ का उपयोग किया जाता था क्या चीज़ था वो आपका गोधुली बिल्कुल याद रखना है प्रश्न पूछा हुआ है एसएससी वगैरह में और व्यापम वगैरह में प्रश्न इसके देखने को मिलेंगे उसके बाद है गवयतु गवयतु क्या है दूरी के मापन के लिए प्रयुक्त है ठीक है गाय इस समय का बहुत ही महत्वपूर्ण था क्या बोलते हैं आपका जीव था ठीक है इसके लिए जो है लड़ाई भी हो जाती थी जिसे गविष्ठी कहा जाता था आगे हम पढ़ेंगे अधिकांश युद्ध गाय को लेकर होता था देखो यहाँ दिखाई दे रहा है न्याय व्यवस्था कैसी थी गविष्ठी गविष्ठी जो क्या थी आपकी एक युद्ध की प्रणाली थी जो कि आपका आ, मतलब गाय का अगर क्या बोलते हैं किसी प्रकार से भी हनन या हो, कुछ होता है तो मृत्युदंड का भी प्रावधान था अगर गाय को किसी कोई मार देता था तो क्या होता था मृत्युदंड का भी उसमें आपका प्रावधान था ठीक है तो आगे आगे बढ़ते हैं हमें संविधान में भी दिखाया मतलब जो है गाय के प्रति सद्भावना प्रदर्शित किया गया है तो ठीक है बहरहाल हमारा जो विषय है उसमें चलते हैं धार्मिक जीवन जो है हमारा ऋग्वैदिक काल का कैसा ऋग्वेद याद रखिएगा मुख्य देव थे इंद्र ठीक है इसे याद रखना बहुत जरूरी है ऐसा कंसेप्ट समझना है पूरा अच्छे से इंद्र के बारे में 250 बार उल्लेख है याद रखियेगा कितने बार उल्लेख है आपका 250 बार जो कि आपका किसका माना जाता है युद्ध में जो है ऋग्वेदिक काल के लोगों का साथ देते थे इंद्र का ओके देन उसके बाद क्या आता है आपका द्वितीय जो है अग्नि अग्नि के बारे में दो सौ बार वर्णन है कितने बार वर्णन है दो सो बार में वर्णन है ये भी एक प्रमुख देवता थे अग्नि ओके देन उसके बाद क्या आता है आपका वरुण जिसे रित्य देव गोपा कहा जाता है इनके बारे में जानने के लिए अगर जाने तो किस प्रकार से है ये ऋतुओं का देवता कहलाते थे क्या कहलाते थे ऋतुओं का देव ठीक है इस प्रकार से याद रखना है ठीक तो अब जो है आगे देखें कौन सा है सोम जो है वनस्पतियों के देवता तूफान के देवता मारुत आगे बढ़ते हैं आइए अगला है हमारे सात नदियाँ सात नदियाँ हैं जिनका उल्लेख जो है ऋग्वेद में है और वो जिस प्रकार से है देखिए सिंधु जो है वो आपका क्या कहलाती थी हिरण्यन नदी ठीक है इनकी क्या बोलते हैं उपलब्धता के अनुसार झेलम जो है वितस्ता नदी कहलाती थी व्यास जो है आपका व्यास जो है आपका वितस्ता कहाँ दिखा रहा है व्यास के बारे में विपासा सॉरी व्यास जो है वो विपासा के नाम से जानी जाती थी रावी जो है पुरुषनी चिनाब जो है अस्कनी शतुधरी जो है वो सतलज नदी को कहा जाता था तो इस प्रकार के तथ्य हमें रटना है याद रखना है ये याद योग्य बिल्कुल यही हंड्रेड जो है कंसंट्रेशन के साथ रोकिए और इन सारी चीज़ों को याद कर लिए ठीक है जब आप एक बार अच्छी तरह से याद कर लेंगे तो पेपर हॉल में अपने आप सारी चीज़ें याद आएगी जैसे कि मैं बोला क्या सतलज नदी सतुधरी नदी ठीक है उसके बाद क्या बताया मैंने रावी नदी पुरुषनी नदी तो ये सब सारी चीज़ें याद आएंगी ठीक आगे बढ़ते हैं ये अगला है हमारा ऋग्वेद काल अब ऋग्वेद काल के बारे में हम पढ़ रहे थे सारी डिटेल देखे अब ऋग्वेद क्या है ऋग्वेद से समझना है हमें कि ऋग्वेद में जो है ऋग्वेद जो है भारत और पूरे विश्व का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है जिसका ईरानी ग्रंथ जैन्द अव्यस्था से कंपेयर किया जाता है सेम वैसे ही दिखाई देता है कि आपका क्या बोलते हैं ईरानी ग्रंथ जो है वो सिमिलर टाइप का प्रतीत होता है इस प्रकार से याद रखना है जैंद अव्यस्था याद रखना है ऋग्वेद याद रखना है दो कि दोनों में सिमिलरिटी नजर आती है ज़्यादा डिटेलिंग में नहीं जाएंगे इसलिए क्योंकि हमें वन डे एग्जाम क्रैक करना है और बोगज कोई अभिलेख में भी इसमें जो है आपका क्या बोलते हैं साक्ष्य प्राप्त होते हैं इंद्र वरुण मित्र और ना, नातस्य ये चार देवताओं का उल्लेख जो है कहाँ होता है आपका आपका बोगज कोई अभिलेख में जो है अभी देवताओं के बारे में जिनका पढ़ा तो इस प्रकार से एशिया माइनर में स्थित है ठीक है तो इन सब सारी चीज़ों को याद रखना है अब देखिए दस मंडल एक सौ अट्ठाईस और आपका एक सॉरी दस जो है इसमें क्या है श्लोक है जो कि आपके रिचाएँ श्लोक लिखा है वो ये श्लोक होगा ठीक है ऋचाएँ कहा जाता है जिन्हें तो इस प्रकार से याद रखना है प्रथम एवं दसवा मंडल सबसे नवीनतम है सबसे बाद में जोड़ा गया याद रखना है ऋग्वेद और जेंदाव्यस्था दिखा देखो दिखाई दे रहे हैं जेंद अव्यस्था गंध जो कि है समानता पाई जाती है सातवें मंडल में जो है रचयिता विश्वमित्र है विश्वामित्र है जिसमें क्या है आपका प्रमुख गायत्री मंत्र ठीक है सबको याद होगा याद करने के दृष्टिकोण से याद रखे होंगे ना बिल्कुल नहीं याद होगा मत बोलिएगा ठीक है पढ़ के सुना दूंगा ठीक तो यहाँ हो गया आपका ऋग्वेद के दशराग युद्ध का वर्णन मिलता है तो इसे याद रखना जरूरी है कि गायत्री मंत्र से प्रश्न कई बार पूछा हुआ है ठीक है उसके बाद जो है आपका मुंडकोपनिषद उपनिषद से भी प्रश्न पूछता है लेकिन याद रखना है तो अगर आप लोग के विजुअलाइजेशन में जाऊं तो कुछ इस प्रकार से याद रख सकते हैं ओम भुर भूर्भ्रुवः स्व तत्सवितुर्व्यम भर्गो देव सदीम ही दिवो ना प्रचोदया तो ये क्या है गायत्री मंत्र है गायत्री मंत्र किस में है सातवें मंडल में याद रखना है कौन है उसके रचयिता आपका विश्वामित्र इस प्रकार से इन तथ्यों को याद रखना अनिवार्य है हमारे लिए आगे बढ़ते हैं आइए अगला है हमारा यहाँ से प्रश्न सत्र प्रारंभ होता है बिल्कुल ध्यान दे के सोच समझ के जो है सारी चीजों को लगाइएगा और याद करते जाइएगा ठीक है क्योंकि उसमें जो तथ्य नहीं है वो यहाँ आपको मिलेंगे ठीक देखिए सबसे पुराना वेद कौन सा है तो याद रखिएगा सबसे पुराना वेद कौन सा है आपका ऋग्वेद ठीक उसके बाद क्या हुआ आपका सामवेद यजुर्वेद और अथर्वेद इसी क्रम में याद रखना है पहले ऋग्वेद फिर सामवेद फिर यजुर्वेद फिर अथर्वेद इसी क्रम में याद करते हुए चलिएगा आसानी होगी ठीक है आगे बढ़ते हैं ऋग्वेद काल में निष्क किस अंग का आभूषण था ठीक है याद रखिएगा निष्क जो है वो कहाँ का आपका आभूषण था निष्क जो था आपका गले का आभूषण था याद रखना है गला का आभूषण क्या था आपका निष्क था इस प्रकार से याद रखना है आगे निष्क के बारे में जो है इस प्रकार का उल्लेख है मैंने जो है पिछली में अभी डिटेलिंग में बताया आपको कि निष्क का जो है सिक्के से आपका सिक्के से जो है कंपेयर किया जाता था और आपका आभूषण से भी कंपेयर किया जाता था तो कन्फ्यूज़ नहीं होना है यहाँ पास क्या याद रखना है आपका सिक्के से आपका सॉरी आपका आभूषण से इसका क्या किया जाता था कंपेयर किया जाता था और अगर आपको सिक्का नहीं याद रखना है तो कोई बात नहीं याद मात्रा याद रखिए क्योंकि जो है आपका इसके कुछ साक्ष्य इस प्रकार से सिक्के के तौर पे भी लिया जाता है तो कंफ्यूज नहीं होना है ठीक और है और क्वेश्चंस कुछ पूछे गए हैं सिक्के में अपवाद है बार बार बोल रहा हूँ सिक्के में जो है वो अपवाद है तो सिक्के को याद ना करें परीक्षा के दृष्टिकोण से तो कोई बात नहीं और हमें क्या नहीं ज्ञाता नहीं बनना है हमें परीक्षा निकालना है ठीक आगे बढ़ते हैं आइए अगला हमारा त्रय क्या है त्रई नाम है याद रखिएगा वेद त्रय कहा जाता है वेद, वेद और यजुर्वेद को वेद के रूप में माना जाता है। तो यहां क्या हो जाएगा आपका तीन वेदों का जो है आपका क्या कहलाएगा ये त्रई कहलाता है ठीक है इस प्रकार से याद रख तीनों वेदों को क्या कहा जाता है वेद त्रई या त्रय कहा जाता है ठीक है आगे बढ़ते आइए अगला है हमारा आर्य शब्द इंगित करता है निजाति समूह को या यावरी समूह को श्रेष्ठ वंश को याद रखिएगा आर्य जो है श्रेष्ठ वंश को आपका क्या कहता है समर्पित करता है इस प्रकार के तथ्य याद रखना है आगे बढ़ते हैं उसके बाद है प्रश्न क्रमांक पांच किसी वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द किस किसी नहीं होगा किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख हुआ है याद रखिएगा सबसे पहले जो है आपका पुरुष सूक्त में ऋग्वेद में आपका वर्ण शब्द का आपका उल्लेख हुआ है अगला है हमारा निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है याद रखिएगा सामवेद का संकलन जो है वो पूर्ण पूरा का पूरा किसमें आधारित है ऋग्वेद पर आधारित है आगे बढ़ते हैं अगला है हमारा ऋग्वैदिक संस्कृति में खालिस्थान मंत्रों का एक संग्रह है याद रखिएगा मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया यहां देख रहे हैं आप कहा गया भाई ये रहा दस मंडल है ऋग्वेद में एक हज़ार अट्ठाईस सुक्तियाँ हैं और दस हजार पाँच सौ अस्सी श्लोक हैं तो एक हजार अट्ठाईस जो है ये मंत्रों का संकलन है क्वेश्चन को ध्यान से समझना है देखो कन्फ्यूज नहीं होना है ठीक मंत्र कैसे हो गया सर मंत्र तो है जो आपको ऋचायाँ को तो मंत्र कहते हैं इस टाइप का नहीं बोलना ठीक क्या बोल रहा है ऋग्वैदिक संस्कृति में खाली स्थान मंत्रों का एक संग्रह है मंत्रों का एक संग्रह है एक हजार अट्ठाइस मंत्रों का एक संग्रह है किसका है आपका ऋग्वैदिक काल में है ठीक आगे बढ़ते हैं ये अगला है आपका प्रश्न क्रमांक आठ वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सुक्त पाया जाता है ठीक है किस में पाया जाएगा ऋग्वेद में पाया जाएगा बता रहा हूं बार बार वर्ण व्यवस्था पुरुष किस में प्राप्त होगा ऋग्वेद में प्राप्त होगा आगे बढ़ते हैं आइए अगला प्रश्न हमारा प्रसिद्ध गायत्री मंत्र निम्नलिखित में से किस वेद में है प्रसिद्ध गायत्री मंत्र मैंने आपको बताया सातवें मंडल में ऋग्वेद में है ठीक है तो ऋग्वेद से रिलेटेड जितने प्रश्न पूछे जाते हैं इस सत्र में करेंगे अगला जो है हमारा रहेगा आपका श्यामवेद यजुर्वेद अथर्वेद और उपनिषद वेदांग वगैरह सारे से प्रश्न होगा ठीक अगला है हमारा ऋग्वेद संहिता का नौवा मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है ओके याद रखिएगा कि आपका सोम और इंद्र सॉरी सो, सोम और इस पेय पर नामकृत देवता को जो है नौवा मंडल समर्पित है इससे प्रश्न हमेशा देखने को मिलेगा किसे समर्पित है नौवा मंडल बोलेगा तो सोम को समर्पित सोम देवता को समर्पित है ठीक है आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न है बोगज कोई महत्वपूर्ण है बताया है, एशिया माइनर में बोगज कोई आपका अभिलेख है जिससे प्राप्त होता है इंद्र वरुण मित्र और नातस्य के साक्ष्य ठीक है तो क्या होगा आपका यह मध्य एशिया एवं तिब्बत मध्य महत्वपूर्ण व्यापारी केंद्र था यह यहां से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवताओं एवं देवियों का नाम का प्राप्त होता है वेद के मूल ग्रंथों की रचना हुई थी तो ये याद रखना है इसका आंसर होगा बी ठीक है इस प्रकार के तथ्य हमें याद रखना है बोगज कोई अभिलेख से जो है विश्व का सबसे पहला अभिलेख माना जाता है इसे बोगज कोई अभिलेख और कहाँ है ये आपका एशिया माइनर में ठीक है इस प्रकार से याद रखना आगे बढ़ते हैं अगला है प्रश्न क्रमांक बारह निम्नलिखित में से कौन सी वह ब्रह्मावदिनी थी जिसने कुछ देव मंत्रों की रचना की याद रखिएगा मैंने बताया आपका लोपामुद्रा आपका लोपा मुद्रा अपाला इन सब सारी विदोषी कन्याएं थी जो कि आपका किसकी रचना की आपका ऋग्वेद की रचना में इन्होंने सहयोग दिया प्रश्न क्रमांक तेरह है ऋग्वेद में निम्नांकित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध को कुभा नाम होगा देखो ये कुब्रू या क्रूम या आपका कुभा नदी जो है आपका अफगानिस्तान से संबंधित है ऋग्वेदिक काल से संबंधित है जिसमें ऋग्वेद में उसका उल्लेख मिलता है ठीक आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है सिंधु नदी जो है आरंभिक आपका वैदिक साहित्य में सबसे जो है इंपॉर्टेंट नदी के रूप में सामने आई है ठीक है तो इस प्रकार के तथ्य हमें याद रखना है ठीक आगे बढ़ते हैं आइए प्रश्न क्रमांक पंद्रह है हमारा निम्नलिखित में से किसने आर्यो की आदि देश के बारे में लिखा है ठीक है ओके ठीक है आदि देश के बारे में लिखा है आर्यो के याद रखना है प्रश्न क्रमांक पंद्रह है हमारा आपका बाल गंगा धर तिलक ये इसका आंसर होगा इस प्रकार से हमारा जो है ये ऋग्वैदिक ऋग्वैदिक काल का मतलब वैदिक काल का पहला पोर्शन ऋग्वैदिक काल कंप्लीट होता है और जो पिछली कक्षा में प्रश्न पूछे गए थे वो कुछ इस प्रकार से है जिसका आंसर जो है आपका ये रहा मैंने इसे बताया भी था और जो है आपका अगला जो है प्रश्न आज के लिए ये है जो कि आप लोगों को कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा छात्रों जय हिंद जय जह भारत